रोहतास राज्य में पिछले महीनों से ही राज्य सरकार द्वारा कई गाइडलाइन जारी किए गए। इसी बीच चौथे गाइडलाइन को जारी करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार डेहरी अनुमंडल के मजिस्ट्रेट अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कुछ दुकानों को अल्टरनेट दिन दुकान खोलने का निर्देश दिया। इसी बीच कई दुकानदारों ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए दुकान अपनी खोल रखी, जिसमें अनुमंडल प्रशासन के आदेशों के अनुसार डेहरी अंचलाधिकारी अनामिका कुमारी एवं अनुमंडल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार ने अपने दलबल के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया, जिसमें 24 दुकानों को अनियमितता देखते हुए उन्हें 15 जून तक सील कर दिया गया। अनुमंडल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार सिंह ने कहा कि डेहरी अनुमंडल प्रशासन के गाइडलाइन के उल्लंघन करने वाले दुकानदार हों या किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान स्टेशन रोड मोहन बीघापाली रोड डेहरी बाजार थाना चौक के अन्य दुकानों पर किया गया। वहीं सभी दुकानदारों से अपील करते हुए मजिस्ट्रेट संतोष कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन के नए गाइडलाइन को फॉलो करें और दुकानों को नियमित समय तक ही खोले रखें। रोहतास से आरपी भारत के लिए कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ रोहित की रिपोर्ट। का जो हम लोग अनुपालन करा रहे थे सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से सप्ताह में 3 दिन ही दुकान खुलेंगी। हालांकि अनलॉक कर दिया गया है, 5 बजे तक का समय है दुकानों को खुलने का, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी थी जो का अल्टरनेट डे में शामिल नहीं थे, वो भी दुकान खुले हुए थे। वैसे पर हम लोगों ने सील बंद कर दिया है। अगले 15 जुर्माना कितने दुकानों पर जुर्माना किया गया? जुर्माना हमको लगता है 5 दुकानों पर किया गया। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।